सो गाइज फाइनली वेलकम बैक टू सी एस कंसेप्ट सिम्प्लीफाइड। सो गाइज फाइनली कल रात को आपका अलॉटमेंट आ चुका था। अभी होप्स आप सभी ने कल का अलॉटमेंट चेक कर लिया होगा। अभी कल अलॉटमेंट में कुछ ऐसा हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपनी कैटेगरी के हिसाब से सीट नहीं मिली। कई सारे स्टूडेंट्स को माइनॉरिटी की सीट अलॉट हो गई थी, कई सारे ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कैटेगरी की सीट मिली थी, कैटेगरी वालों को ओपन की सीट मिली थी, इवन मेल स्टूडेंट को फीमेल की सीट भी अलॉट हुई थी। अभी मैं आपके स्क्रीन के सामने दिखाऊंगा कि मेल स्टूडेंट को फीमेल की सीट भी अलॉट हुई थी। अभी अगर आपको दूसरी सीट टाइप अलॉट हुई है तो क्या प्रोसेस रहता है, क्या प्रोसीजर रहता है, इसके ऊपर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक है कि भैया मुझे ये सीट मिली है तो क्या मुझे पूरी ओपन की फीस भरनी पड़ेगी, क्या मुझे माइनॉरिटी की फीस भरनी पड़ेगी। इस वीडियो में हम इसके ऊपर पूरा डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को जरूर एंड तक देखना गाइज। सो गाइज फाइनली आप सब लोग स्क्रीन पे देखो, अभी का देखो जेंडर मेल है एंड डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हो होम यूनिवर्सिटी SPPU पुणे यूनिवर्सिटी है, NT3 कैटेगरी से है। अभी उसका जेंडर मेल है बट उसको जो सीट टाइप अलॉट हुई है ना वो फीमेल की सीट टाइप अलॉट हुई है। जैसा कई सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, कई सारे आपके कैटेगरी स्टूडेंट्स को अपनी माइनॉरिटी की सीट अलॉट हुई है, कई सारे ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को माइनॉरिटी की सीट अलॉट हुई है, कैटेगरी वालों को ओपन की सीट अलॉट हुई है, ओपन वालों को कैटेगरी की सीट अलॉट हुई है, जैसा कई सारा मिसमैच हुआ है। ऐसा क्यों होता है गाइस समझ लो। गाइस अगर आपकी सीट वैकेंट रहती है, मतलब अलॉटमेंट के प्रोसेस में अगर आपके अलॉटमेंट में स्टूडेंट्स ही नहीं रहते, माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स ही नहीं है माइनॉरिटी सीट एक्वायर करने को, तो वो सीट वैकेंट रहती है। तो वो जो वैकेंट सीट्स होती है ना फिर वो जनरल ओपन के हिसाब से परसेंटाइल के अकॉर्डिंग फिलअप होती है बेस्ड अपॉन द प्रेफरेंस ऑफ द स्टूडेंट। तो अगर आपने प्रेफरेंस ऊपर रखा हो, कोई माइनॉरिटी कैंडिडेट उसमें अप्लाई नहीं कर रहा, तो फिर आपका नंबर वो माइनॉरिटी सीट्स के लिए आ जाता है। इसका मतलब ये है अगर आपको कोई भी सीट टाइप अलॉट हो टेंशन की बात नहीं है, आपको बस वो देखना है कॉलेज कौन सा है, ब्रांच कौन सी है और आपको क्या अलॉटमेंट आया हुआ है। सीट टाइप कुछ भी हो मैटर नहीं करता, आपको वहाँ पे जाके एडमिशन लेना है। वहाँ पे जाओगे तो अपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको फ़ीस भरनी है। आप जो भी कैटेगरी में आते हो उसके हिसाब से आपका फ़ीस स्ट्रक्चर होता है, तो उसके हिसाब से आपको फ़ीस भरनी है। तो कैटेगरी वालों को अगर ओपन के सीट मिली हो तो भी उनको फ़ीस कैटेगरी की ही पे करनी है, कोई टेंशन की बात नहीं है गाइज। गाइज यही था, मुझे यही बताना था। सो बी रिलैक्स, आपको कोई भी सीट टाइप अलॉट हो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि वो सीट खाली बची थी, वैकेंट बची थी, इसीलिए वो आपको अलॉट हुई है अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस नंबर। सो गाइज टेंशन की बात नहीं है। बाकी यही था गाइज, होप्स आप सभी को अच्छा चॉइस, अच्छी ब्रांच, अच्छा कॉलेज अलॉट हुआ हो। प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में अपना कॉलेज और ब्रांच कमेंट कर देना, जिससे कोई दूसरा कॉलेज का स्टूडेंट होगा तो वो आपको ज़रूर रिप्लाई देगा गाइज। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।